बोल रहा था कल वो मुझसे, हाथ में मेरा हाथ लिए, चलते रहेंगे दुख सुख के हम, सारे मौसम साथ लिए, रंग डालो तन मन की बगिया, फागुन बनकर आ जाओ, बरस पड़ो दिल के आंगन में, रंगों की बरसात लिए। उसने अपनी झोली से कल प्यार के हमको फूल दिए, लौट आए हैं दामन भर के उसकी ये सौगात लिए। बोल रहा था कल वो मुझसे, हाथ में मेरा हाथ लिए, चलते रहेंगे सुख दुख के हम, सारे मौसम साथ लिए। कतील शिफाई के इस गीत के साथ मैं अन्नू कपूर आप सब महानुभावों का स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज जो कहानियां हैं वो इस तरह हैं। आज की पहली कहानी होगी प्राण साहब की कहानी। कैसे स्ट्रगल के दौर में जब सारी आशाएं बिखरने लगी और नौबत ये आ गई कि हमेशा के लिए बॉम्बे छोड़ देना पड़ेगा, तब कौन उनका सहारा बना, किसने मदद की, किसने प्राण को दिया प्राणदान। फिर एक और कहानी होगी एसडी बर्मन और उनके पान के शौक की कहानी। एक और मजेदार किस्सा आज की महफिल में हास्य अभिनेता मुकरी साहब का किस्सा। मुकरी साहब एक बार एक हीरोइन की रजाई में रात को घुस गए। अब अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जो कुछ हुआ होगा वो प्लेजेंट नहीं होगा। ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड में बात करेंगे प्रोड्यूसर विजय सिप्पी की डेथ की, जिनकी लाश एक दिन उन्हीं की बिल्डिंग के नीचे पड़ी मिली। ये डिमाइस नेचुरल डेथ थी या सुसाइड, जानने की कोशिश करेंगे। और श्रोता के सवाल में आज फिल्म आंधी के बैन होने की कंट्रोवर्सी कहानी। लेकिन आज सबसे पहले हमेशा की तरह आज की महफिल का पहला गीत। प्राण साहब जब बंबई आए तो साथ में थी बहुत सी उम्मीदें, ढेर सारे सपने जो जल्दी ही टूटते नजर आने लगे। लाहौर में वो नाम कमा चुके थे, उन्हें उम्मीद थी कि बॉम्बे में भी वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राण को बॉम्बे में पहला काम पाने के लिए 8 महीने तक संघर्ष करना पड़ा और ये संघर्ष बहुत कड़ा था। अपनी पत्नी शुक्ला और बेटे बब्बू के साथ प्राण साहब आ गए बंबई। सबसे पहला अपना ठिकाना बनाया होटल ताज एट गेटवे ऑफ इंडिया। उन दिनों होटल ताज में एक स्वीट का रेट हुआ करता था 55 रुपीज, विच इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। आपको अभी हंसी आ रही है लेकिन उस टाइम पे 1947 में ये बहुत बड़ा अमाउंट था, और खासकर ये बड़ा अमाउंट उसके लिए जिसके पास बॉम्बे में कोई काम नहीं था। प्राण साहब को जल्दी बात समझ में आ गई कि ये ताज होटल का स्वीट बहुत भारी पड़ जाएगा, तो कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने इससे हाफ प्राइस के एक होटल में शिफ्ट कर लिया। दिन भर स्ट्रगल करते, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक प्रोड्यूसर के ऑफिस से दूसरे प्रोड्यूसर का ऑफिस, हर जगह टकासा जवाब होता नो वर्क, कोई काम नहीं है, बाद में आइएगा। प्राण के दिन बहुत खराब कट रहे थे, उम्मीदें ढह रही थीं, होटल रोज बदलना पड़ रहा था। ताज से वो पहुंच गए होटल स्ट्रैंड जो कि रेडियो क्लब के पास था, फिर उसको चेंज किया, वहां से होटल फ्रेडरिक्स, फिर मरीन ड्राइव के एक और होटल में शिफ्ट कर गए होटल डेलामार। डेलामार में प्राण साहब सबसे ज्यादा वक्त तक रुके, 10 महीने। इस होटल तक आते आते कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने अपने बेटे को उसकी मासी के घर इंदौर भेज दिया, लेकिन वाइफ शुक्ला जी अब भी उनके साथ इस मुश्किल दौर में सहारा बनी हुई थी जो लगातार उन्हें हौसला देती रहती। होटल में रहते हुए प्राण साहब को हर हफ्ते होटल का बिल चुकाना पड़ता था, काम नहीं था, और एक दिन हालात ऐसे आ गए कि पैसा भी खत्म हो गया पास का, बिल चुकाने का वक्त था और जेब में एक भी पैसा नहीं था। अब करें तो क्या करें, बॉम्बे से वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसी उधेड़ बुन में थे कि धर्मपत्नी शुक्ला जी ने हाथ से सोने के कंगन उतारे और अपने पति के हाथ में थमा दिए। प्राण समझ गए, अपनी पत्नी पर बरस पड़े, नहीं ये नहीं होगा,
मैं तुम्हारे जेवर बेचकर अपने सपने पूरे नहीं करूंगा। प्राण का गुस्सा उस समय पत्नी पर कम, अपने आप पर ज्यादा था। मजबूरी कि वो इतने नाकारा हैं कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़ रहे हैं। उन्होंने पत्नी से कहा, हम वापस चले जाएंगे लेकिन तुम्हारे जेवर नहीं बिकेंगे। शुक्ला जी ने उन्हें समझाया कि ये सब चीजें ऐसे ही बुरे वक्त के लिए होती हैं। अरे जेवर ही तो है, जब अच्छा वक्त आएगा तो वापस खरीद लेंगे। अभी इनसे ज्यादा जरूरी है बॉम्बे में रहना, रहकर काम ढूंढना और काम मिल पाना। मगर प्राण साहब के बार बार मना करने के बावजूद शुक्ला जी उन्हें समझाती रहीं कि इस तरह हिम्मत नहीं हारते, एक चांस तो और लो, हो सकता है कुछ दिनों में किस्मत बदल जाए। अरे जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। घने अंधेरों के बाद इन्हीं दिनों में जगी आशा की एक किरण। प्राण को एक टेलीफोन कॉल आया और उन्हें मिल गई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी। इस फिल्म के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट था 500 रुपीज पर मंथ। प्राण साहब ने 100 रुपीज एडवांस में ले लिए और जमकर मियां बीवी ने उस रात पार्टी की। जब पार्टी करके वो वापस होटल लौटे, तब तक आप यकीन नहीं मानेंगे, एक फिल्म का और ऑफर आ गया था। जिंदगी ने दरवाजे खोलने किस्मत के शुरू कर दिए थे। प्राण साहब को 4 दिनों के अंदर ही किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि ये जो 4 दिन थे इनके अंदर 4 फिल्में मिल गईं। जो प्राण संघर्षों से टूटकर वापस लौट जाने वाले थे, उन्हें अपनी धर्मपत्नी शुक्ला जी की वजह से प्राणदान मिल गया। SD बर्मन पान खाने के बहुत शौकीन थे। पान दान हमेशा साथ रहता था, बॉक्स में पान पड़े रहते थे। ये पान खास तौर पर साउथ बॉम्बे से आया करते थे। ये पान की दुकान, ये पर्टिकुलर पान की दुकान भारतीय विद्या भवन के पास हुआ करती थी। इस दुकान का मीठा पान उन्हें बहुत पसंद था, यानी कि कलकत्ता पत्ता किमाम डलवा के। कहीं भी रिहर्सल हो, रिकॉर्डिंग हो, विद्या भवन के पास वाली दुकान पे अपने ड्राइवर को भेज दिया करते थे। दादा के सभी जानने वाले इस बात से परिचित थे। अक्सर दादा को देखकर लोग उनसे पान मांग लिया करते थे। मगर दादा चतुर थे, कोई ना कोई बहाना बना के अपने पान बचा जाया करते थे। एक बार नटराज स्टूडियो में गुरुदत्त प्रोडक्शन की शूटिंग चल रही थी। सेट पर मौजूद थे गुरुदत्त, उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर गुरुस्वामी। उसी समय एंट्री हुई दादा बर्मन की, हाथ में वही पानदान, पान की डिबिया और मुंह में एक पान। दादा बर्मन को पान खाता देख गुरुदत्त और उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर गुरुस्वामी का मन ललचा गया और फाइनली उन्होंने दादा से पान मांग लिया। मगर दादा ने जो रिस्पॉन्स दिया, जो जवाब दिया, उसकी कल्पना भी गुरुदत्त और गुरुस्वामी को नहीं थी। बर्मन दा ने गुरुदत्त से कहा, देखो बाबा, ये मेरा स्टॉक है, तुमको पान चाहिए तो अपना ड्राइवर भेजो और मंगाओ, इसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये टकासा जवाब सुनकर गुरुदत्त और गुरुस्वामी को लगा तो बहुत अटपटा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। इस बात के कुछ ही देर बाद यकायक दोनों ने देखा, वही SD बर्मन जिन्होंने उन्हें टका सा जवाब दे दिया था कि पान नहीं मिलेगा, वही SD बर्मन वहीदा रहमान को पान ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं उससे, वहीदा पान खाएगा। गुरुदत्त ये सब देख के पहुंचे बर्मनदा के पास और छेड़ते हुए बोले, दादा जब हमने आपसे पान मांगा तो आपने मना कर दिया, जबकि हम तो पान खाते हैं, और ये वहीदा जो पान खाती भी नहीं है उसे आप बिना मांगे ही ऑफर कर रहे हैं, ये तो अन्याय है। लाइए वहीदा का पान मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो अभी पान खा भी नहीं सकती हैं, उनका शॉट रेडी है, पान खाएंगे मुंह लाल हो जाएंगे, दांतों पे निशान पड़ जाएंगे, मुझे दे दीजिए उसका पान। दादा बर्मन ने भी गुरुदत्त को उसी अंदाज में छेड़ते हुए कहा कि तुमको पान नहीं मिलेगा, पान वहीदा को ही मिलेगा, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है, एक पान के बाद दोबारा कभी नहीं मांगती, लेकिन तुम तो एक पान के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तब तक मांगते रहते हो जब तक हमारा ये डिब्बा खाली नहीं हो जाता है। ये पान मैं खाने को लाता हूं, बांटने को नहीं। तुमको पान खाने का है, शौक है, तो अपना गाड़ी भेजो और मंगवाओ, ये पान तुमको नहीं मिलेगा।
हेलो 92.7 बिग एफएम से अनु कपूर बोल रहा हूँ जी। आप साहब कौन है? सर सागर बोल रहा हूँ इंदौर से। अरे वाह सागर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में सुहाना सफर विद अनु कपूर। जी सर। पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं? सर बिजनेस करता हूँ। वाह वाह, मुझे उम्मीद है कि आप फैन होंगे हमारे इस प्रोग्राम के। कोई गाना सुनना चाहते हैं सागर भाई आप? हाँ सर। कौन सा गाना? सर जूली फिल्म का दिल क्या करे जब कोई किसी को किसी से प्यार हो जाए। आपको हुआ क्या? यस सर हुआ ना, इसलिए तो सुनना। क्या बात है। जूली का म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने। जी सर। आज के जो सुपरस्टार हैं जी 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 ऋतिक रोशन, उनके पिता के भाई हैं। हाँ सर। और ग्रेट कंपोजर स्वर्गीय रोशन के पुत्र हैं राजेश रोशन। जी सर। तो आपकी फरमाइश सुनाने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम पर अपनी कृपा बना के रखिएगा। सर सबसे आपका सबसे प्यारा म्यूजिक लगता है बाजीगर फिल्म का। अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा म्यूजिक है सर। थैंक यू सर, सुनाऊंगा आपको। अभी तो फिलहाल आप राजेश रोशन की कंपोजिशन सुनिए, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। ओके सर, थैंक यू। ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड सेगमेंट में आज बात हिंदी प्रोड्यूसर विजय सिप्पी की। विजय सिप्पी निर्देशक रमेश सिप्पी के भाई थे और उनकी मौत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी। उनकी लाश उनकी सोसाइटी के नीचे ही पड़ी मिली, मगर मौत के कारण का पता नहीं चला। 18 अप्रैल 1998 को ये खबर आई कि फेमस प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी के बेटे और डायरेक्टर रमेश सिप्पी के भाई प्रोड्यूसर विजय सिप्पी अपनी सोसाइटी के बिल्डिंग के नीचे डेड पाए गए। तो ये अटकलें लगने लगीं कि शायद उनकी हत्या अंडरवर्ल्ड ने की है। इन अटकलों के पीछे ये वजह थी क्योंकि विजय काफी सालों से सिप्पी फिल्म्स के फाइनेंस का काम देख रहे थे और उन दिनों बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स अंडरवर्ल्ड की हिट लिस्ट में थे। पुलिस को विजय की मौत की खबर नेपियंसी रोड की उर्वशी बिल्डिंग के वॉचमैन ने दी थी, जहां 17वें माले पर विजय रहा करते थे। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर ने यह बात साफ कर दी कि विजय सिप्पी की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ नहीं है, क्योंकि विजय सिप्पी ने कभी अपने परिवार, दोस्त, यार या किसी और से अंडरवर्ल्ड से मिल रही किसी धमकी की, फोन कॉल की कोई जानकारी नहीं दी। मगर यह बात भी साफ नहीं है कि उन्होंने सुसाइड किया या ये मर्डर था। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम घटना स्थल पर पहुंची तो विजय की बॉडी अकड़ चुकी थी, जिससे ये बात सामने आई कि उनकी मौत 17 तारीख की देर रात हुई होगी, क्योंकि मौत के 10 से 12 घंटों के बाद बॉडी इस तरह से अकड़ जाती है। पुलिस के मुताबिक ये तो साफ था कि विजय काफ़ी हाइट से गिरे थे, मगर ये साफ नहीं था कि उनकी मौत गिरने की वजह से हुई थी या फिर मरने के बाद उन्हें गिराया गया था। दिन भर इस मौत को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जाते रहे। रात में एक न्यूज़पेपर को विजय जी की पत्नी माया सिप्पी ने एक फैक्स किया। उस फैक्स में लिखा था, विजय की हत्या को लेकर प्रेस में चल रही खबरें बेसलेस हैं। विजय की बॉडी पर किसी तरह के घाव या निशान नहीं थे। फॉरेंसिक टीम की दिन भर की छानबीन के बाद यह लगता है कि उन्होंने कूद कर, जंप करके अपनी जान दे दी है। ऐसा संभव है क्योंकि वो पिछले एक महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। इधर केस की छानबीन कर रही मलाबार हिल पुलिस स्टेशन ने भी यह कंफर्म कर दिया कि विजय की बॉडी पर भी किसी हथियार का कोई निशान नहीं है। जेजे हॉस्पिटल की प्रारंभिक पोस्टमार्टम जांच में यह खुलासा हो गया कि विजय की बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में मल्टीपल फ्रैक्चर की वजह से उनकी मौत हुई थी। शोले, शान और सागर जैसी फिल्मों के प्रोडक्शन का हिस्सा रहे विजय ने दो फिल्म्स प्रोड्यूस भी की थीं, 1994 में आतिश और 1997 में हमेशा, मगर ये फिल्में फ्लॉप रहने के कारण विजय सिप्पी फाइनेंशियल क्राइसिस से घिर गए थे और शायद इसी के चलते वो सीवियर डिप्रेशन में उतरते चले गए। महबूब खान की फिल्म आन की शूटिंग इगतपुरी में चल रही थी। पूरी यूनिट एक ही होटल में रुकी हुई थी, सभी को अलग अलग कमरे अलॉट किए गए थे, मगर हास्य अभिनेता मुकरी साहब ने रिसेप्शन पे यह कह दिया कि उन्हें अलग रूम नहीं चाहिए, वो अपने दोस्त दिलीप कुमार के साथ ही रूम शेयर कर लेंगे। दिलीप कुमार और इनकी बचपन की दोस्ती थी।
ये रूम शेयर करने की बात दिलीप कुमार को पता नहीं थी। अब हुआ यूं कि पहले दिन शूटिंग का पैकअप हुआ देर रात। पैकअप के बाद दिलीप साहब पहुंच गए अपने रूम, फ्रेश हुए, डिनर किया और बिस्तर पर पड़ गए। दिन भर की थकान की वजह से फौरन नींद भी आ गई। अचानक आधी रात को उन्हें लगा कि उनकी रजाई में कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई रजाई में घुस गया हो। फौरन बत्ती जलाई, उठे और जैसे ही उन्होंने रजाई हटाई तो उन्हें क्या दिखाई दिए? मुकरी। मुकरी को इस तरह देखकर दिलीप कुमार भड़क पड़े। उन्होंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम यहां पे क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहां से, तुम यहां पे आए तो आए क्यों? तो मुकरी ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं प्रोड्यूसर का पैसा बचा दूं, आपके साथ रूम शेयर कर लूंगा। दिलीप कुमार ने कहा, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। बेचारे मुकरी साहब निराशा में भरे हुए उस कमरे से निकल गए। लेकिन रात तो गुजारनी थी उनको, तो थोड़ी दूर गलियारे में चलने के बाद जो दरवाजा खुला दिखा उस कमरे में एंटर हो गए। अंधेरे में उन्हें होश भी नहीं रहा कि वो नादरा जी की रजाई में घुस गए। शोर मच गया, हंगामा हो गया पूरे होटल में। मुकरी साहब ने बार बार नादरा से माफी मांगी और गलती होने का कारण बताया, वहां से भागकर वापस दिलीप कुमार के कमरे में आ गए। बात उस रात को किसी तरह से आई गई हो गई। अगले दिन इस बात की चर्चा जारी रही, महबूब खान से शिकायत भी हो गई। उन दिनों ऐसी अफवाह थी कि महबूब का चक्कर नादरा से चल रहा है, इसलिए यह सब सुनकर महबूब खान की पत्नी परेशान हो गई और इस बात को भूल गए कि मुकरी साहब आधी रात को गलती की वजह से हीरोइन की रजाई में घुस गए। बल्कि उन्होंने तो इस पूरी कहानी को एक अलग ही अंदाज दे दिया, अलग ही मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा, चलो जो हुआ हो गया, मुकरी जो है गलती की वजह से हीरोइन की रजाई में घुस गया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि हीरोइन नादरा ने आधी रात को अपने कमरे का दरवाजा खोला क्यों रखा था। ये नादरा किसके लिए दरवाजा खोलकर सो रही थी, यह आज तक समझ में नहीं आया। ये राज आज भी राज बना हुआ है। कानपुर के अमित सरैया जानना चाहते हैं फिल्म आंधी के बैन होने की कंट्रोवर्सी के बारे में। आंधी फरवरी 1975 में रिलीज हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। फिल्म बनने के वक्त से ये अफवाहें उड़ने लगी, गुलजार की ये फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसमें इंदिरा गांधी से जुड़ी घटनाएं दिखाई जाएंगी। इन खबरों के बाद तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री आई के गुजराल ने फिल्म देखी और इन खबरों को गलत बताया कि यह इंदिरा गांधी पर आधारित फिल्म है। लेकिन फिर भी लोगों के मुंह बंद नहीं हुए। जब फिल्म की रिलीज का टाइम आया तो स्पेशल कमिटी ने पूरी फिल्म को देखा और रिलीज की परमिशन दे दी। लेकिन पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में इसे रिलीज किया गया। ये वो वक्त भी था जब चुनाव नजदीक आ रहे थे। दो साल बाद यानी 1977 में आम चुनाव होने वाले थे। फिल्म रिलीज होने के बाद 20 हफ्ते तक चली और इन 20 हफ्तों में इस फिल्म को लेकर जो अफवाहें थीं वो अब विवाद बन गई। गुजरात के बहुत से क्षेत्रों में विरोधी पार्टी के लोगों ने इस फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर दी। इंदिरा गांधी जैसी लगने वाली इस फिल्म की मेन कैरेक्टर इन सीन्स में सिगरेट पी रही थी, शराब पी रही थी और इस फिल्म को गांव-गांव में जनता को दिखाया जा रहा था। क्योंकि इस फिल्म में सुचित्रा सेन का पहनावा, बालों का फ्रंटल वाइट पैच, ये सब इंदिरा गांधी से मिलता जुलता था। कुछ जगह पर फिल्म के ऐसे पोस्टर्स भी लगाए गए थे जिनमें लिखा था कि अपनी प्रधानमंत्री को पर्दे पर देखें। यह कहानी स्वतंत्र भारत की ग्रेट फीमेल पॉलिटिशियन की है। इन सारी घटनाओं से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि खराब होने की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस फिल्म पर इमीडिएटली प्रतिबंध लगा दिया। फिल्म पर बैन लगने के बाद प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश ने तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को बताया कि फिल्म बैन होने की वजह से उन्हें 40 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तब विद्याचरण शुक्ल ने यह कहा कि अगर वो अपनी फिल्म जनता को दिखाना चाहते हैं तो उन्हें ये ऑब्जेक्शनेबल सीन फिल्म से हटाने होंगे।
और कुछ ऐसे सीन डालने होंगे जिनसे ये क्लियर हो कि इस फिल्म की कहानी और किरदार का इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह कुछ सीन्स डिलीट कर दिए गए और कुछ सीन रीशूट करके दोबारा इस फिल्म को सरकार के सामने पेश किया गया। फिल्म में एक नया सीन भी इंक्लूड किया गया जिसमें हीरोइन आरती इंदिरा गांधी के फोटो के सामने खड़ी है। उस फोटो को देखते हुए वो अपने फादर से कह रही है कि वो इंदिरा गांधी की तरह देश की सेवा करना चाहती है ताकि ये सिद्ध हो सके कि फिल्म इंदिरा गांधी की लाइफ पर बेस्ड नहीं है। जब तक ये सब हुआ तब तक 1977 आ चुका था और चुनाव में इंदिरा गांधी की जगह जनता पार्टी की सरकार जीत गई थी। सो जनता पार्टी ने जीत के बाद न सिर्फ फिल्म पर लगा बैन हटा लिया बल्कि इस फिल्म को नेशनल टेलीविजन पर दिखाया भी गया। ये फिल्म जितनी चर्चित रही उतनी ही अप्रिशिएट भी की गई। फिल्म फेयर में इसे 7 नॉमिनेशन मिले जिसमें से 2 पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीते। पहला बेस्ट फिल्म के लिए, दूसरा बेस्ट एक्टर के लिए। फिल्म के म्यूजिक को भी लोगों ने लाइक किया। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।